कोई कितना ही समझाए, मना करे, डराने की कोशिश करे, हम डरने वालों में से नहीं है और हम है विपक्ष के, हम है विरोधी, हम करते हैं विरोध। इकरा हसन उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक बड़ा नाम बन गया है और खासकर वेस्ट यूपी में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में इनको जाना जाता है। समाजवादी पार्टी ने केराना की महत्वपूर्ण सीट से इनको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। यूं तो इकरा हसन को सियासत विरासत में मिली है क्योंकि इकरा मुनव्वर हसन की बेटी है। मुनव्वर हसन जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी चारों सदनों के सदस्य रहे, इसीलिए उनका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया। इसके अलावा इकरा हसन के दादा अख्तर हसन भी एक बार सांसद रहे। इनकी माँ तबस्सुम हसन दो बार सांसद रह चुकी हैं और इनके बड़े भाई नाहिद हसन केराना सीट से तीन बार विधायक रह चुके हैं। तो इनका जो घर है वो सियासी घराना रहा है। लेकिन जहां तक इकरा हसन का ताल्लुक है, इकरा हसन ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ये लंदन चली गई और वहां कानून की शिक्षा हासिल की। लेकिन इकरा हसन की जो सादगी है वो अभी भी बरकरार है। मशहूर शायर नवाज देवबंदी ने भी इनकी तारीफ में बड़ी बात कही है। आज कहराने की इस बेटी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिसके सर का दुपट्टा नहीं सर का, जिसकी पेशानी की बतानत कम नहीं हुई, जिसकी आंखों में हया ही हया नजर आई, जिसके चेहरे पे सादगी नजर आई, ना कोई गादा था ना कोई लिपस्टिक थी, लिबास सादा, गुफ्तगू सादा, सिमट के ऐसे बैठना जैसे फरिश्ता बैठ रहा हो। कि इकरा हसन अगरचे लंदन में पढ़ी है लेकिन उन्होंने अपनी सादगी, परंपरा, अपनी तहजीब और सकाफत को बरकरार रखा है, यानी अभी भी वो अपने खानदान की जड़ों से जुड़ी हुई है। तो इकरा हसन की जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा है और इसका जो असर है वो चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जब नाहिद हसन 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल में थे तो जो चुनावी प्रचार है वो इकरा हसन ने ही किया और उनको जिताने में बड़ा रोल अदा किया। तो इकरा हसन को ग्राउंड लेवल पर भी उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो मेहनत की है, जिसका नतीजा है कि अखिलेश यादव ने उनको केराना से यानी प्रत्याशी घोषित किया है। तो केराना लोकसभा सीट से इकरा हसन की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में इनको लोगों का समर्थन हासिल है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वो भी इकरा हसन को अपना समर्थन दे रहे हैं। और जहां तक केराना लोकसभा सीट का ताल्लुक है तो ये हॉट सीटों में शुमार की जाती है क्योंकि बीजेपी इस सीट पर सबसे ज्यादा राजनीति करती है। यहां से कभी उन्होंने पलायन के मुद्दे को उठाया और हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी का एक तरीका होता है वो लगातार इस सीट से सबसे ज्यादा करने की कोशिश करती है। तो इकरा हसन के सामने बड़ी चुनौती भी होगी, लेकिन इकरा हसन को जो समर्थन मिल रहा है और पिछले कुछ सालों में उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है तो ये काबिले जिक्र भी है और इसका जो बड़ा फायदा है इकरा हसन को चुनाव में होगा। इकरा हसन सबसे पहले लाइमलाइट में उस वक्त आई जब देश में CAA और NRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उस दौरान इकरा हसन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लेकिन अब आए दिन इकरा हसन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उनको देखा जा सकता है कि वो लोगों से मिल रही हैं, लोगों की खुशी और गम में शरीक हो रही हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रही है और जनता के दरमियान उनको आमतौर से देखा जा सकता है और उसका फायदा उनको चुनाव में भी मिलने वाला है।